सबसे बड़े और सबसे पुराने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने सिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात बताई। इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। साथ ही कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का फैसला किया है, यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है। निर्मोही अखाड़ा को सिफारिश नहीं माना है, निर्मोही अखाड़ा का कुछ भी नहीं माना है। नंबर एक बात, एएसआई रिपोर्ट की बैठक है, एएसआई रिपोर्ट जो है वो कहती है कि वहाँ नहीं, लेकिन आप हिंदू मानते हैं वो राम जी का जन्म स्थान है। मैं वो बता रहा हूँ जो इसमें है। हाँ, जो अभी तक अंदर से अंदर से खबर आ रही, मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ नहीं बता रहा। और मुझे एक और चीज बताइए, आपने बताया कि जो मॉस्क बना था वो एग्जिस्टिंग पिलर्स पे बना था। जी हाँ, एग्जिस्टिंग पिलर बना था और उसके नीचे जो खुदाई हुई थी वो इस्लामिक नहीं थी बल्कि मंदिर के। लेकिन ये एएसआई ने कोई एविडेंस नहीं दिया है कि मंदिर को तोड़ा। ये नहीं कहा मंदिर तोड़ बनाया गया, ऐसा कोई बात नहीं कही। एएसआई ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया है जिसमें बताया गया हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। लाल राम अयोध्या पैदा हुए थे, ये डिस्प्यूटेड नहीं है। ये डिस्प्यूटेड नहीं है। ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये डिस्प्यूटेड है ही नहीं कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे। ये डिस्प्यूटेड है ही नहीं। निशांत, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आप वहीं से लगातार जैसे भी जानकारी आ रही है वो आप बताते रहिए, दिखाते रहिए लाइव। भगवान राम अयोध्या पैदा हुए थे, डिस्प्यूटेड नहीं है। हाँ, ये डिस्प्यूटेड नहीं है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, ये कहीं से डिस्प्यूटेड नहीं है। लेकिन एएसआई ने ये एविडेंस नहीं दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जो मस्जिद बनी थी वो उसके पिलर्स के ऊपर बनी थी, ये चीज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो प्रूफ करती है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये है, एएसआई ने वो प्रूफ नहीं किया कि था भी नहीं कहना। उसके नहीं कहना क्या कोई स्ट्रक्चर था नीचे। और ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है। हाँ, और ये भी कहीं से डिस्प्यूटेड नहीं है कि जो वहां पर रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है। इस वक्त की एक एक बड़ी खबर, एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए सर, थोड़ा सा पीछे हो जाए। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा खड़े हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जैन साहब इस तरफ आ जाइए। आस्था और विश्वास पर कोई विवाद नहीं हो सकता, ये भी बात कही गई है। एक एक करके जो जानकारी आ रही है किसी कंक्लूजन पर नहीं ले जा रहे, लेकिन हिंदुओं की आस्था है कि राम का जन्म हुआ था। ये सर्वोच्च अदालत के स्पेशल बेंच ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है। आस्था और विश्वास पर कोई बहस नहीं हो सकती। बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी। जमीन का विवाद का फैसला कानूनी तौर पर, एएसआई ने मंदिर के बारे में जो जानकारी दी है उसको स्वीकार रहा है कोर्ट, और जमीन का विवाद का फैसला कानूनी आधार पर किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एएसआई ने मंदिर के बारे में साफ नहीं कहा है, और जो भी फैसला जमीन के विवाद पर होगा वो फैसला कानूनी आधार पर होगा। मालिकाना हक किसे उस जमीन का दिया जाएगा ये सिर्फ कानूनी तौर पर देखा जाएगा, कानूनी आधार उसका माना जाएगा। एक बार चलते हैं, चित्रा हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही है। एक एक करके प्रत्येक खुल रही है, सामने आ रही है जानकारियां। कंक्लूसिवली अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदुओं की आस्था है वहां राम का जन्म हुआ था ये कोर्ट ने कहा है। एएसआई की रिपोर्ट का भी जिक्र हुआ है जिसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट स्वीकार रहा है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और इसी के जरिए आगे की ओर क्या राह निकल रही है किसी एक फैसले की तरफ, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि जब तक पूरा फैसला आ नहीं जाए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते शायद जल्दबाजी होगी, पूरे फैसले का हमें इंतजार करना होगा। बहुत सारे वकील यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जिनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है, उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि अंदर से हर एक खबर सीधे इन लोगों के मोबाइल तक आ रही है। अंदर से क्या दो बड़ी बातें क्या निकल कर आई? दो बड़ी बातों में से सबसे पहली बड़ी बात ये निकल कर आई है कि कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि सबसे पहले वहां पे एक मंदिर था,
मतलब कि जो भूमि है वो मस्जिद जिस पे बनाई गई थी वहाँ पे पहले से कोई हिंदू स्ट्रक्चर था सबसे, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई इसका कोई एविडेंस नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एएसआई की तरफ से जो खुलासे किए गए थे 2003 में खुदाई के बाद से, उससे ये साबित हुआ था कि ये हिंदू स्ट्रक्चर तोड़ के ही यहाँ। मैं चाहूंगी कैमरे के आगे से आप लोग नहीं आए, आप बताइए अंदर से क्या बड़ी बात है, क्या महत्वपूर्ण बात है? हिंदू पक्ष के ही समर्थन में गया फैसला और ये सबसे बड़ी बात है। अभी तो हम इंतजार करना चाहिए ना, अभी तो फैसला पढ़ा जा रहा है। नहीं, जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है फैसला, तो हिंदू पक्ष के ही समर्थन में आएगा फैसला। चलिए, आपको लग रहा है कि समर्थन में, और क्या जजेस की ओर से और क्या बड़ी बातें कही? कॉन्करेंट जजमेंट लग रहा है कि 5 जज बेंच हिंदू पक्ष की पक्ष में लग रहा है ऐसा फैसला जाता हुआ दिखा।